सौंदर्या रघु जन्म सौम्य सत्यनारायण 18 जुलाई 1972 17 अप्रैल 2004 भारतीय फिल्म अभिनेत्री और निर्माता थी। यह मुख्यतः तेलुगु फिल्मों में नजर आती थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ कन्नड़, तमिल, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी कार्य किया है। वर्ष 2002 में इन्हें कन्नड़ फिल्म वीपा के लिए श्रेष्ठ फिल्म का निर्माता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा इन्हें फिल्मफेयर और नंदी पुरस्कार भी मिला। ये पुरस्कार अम्मोरू 1994, अंकपुरम 1998, राजा 1999, वीपाक 2002 और आपका मित्र 2004 फिल्मों के लिए मिला था। लेकिन इसके बाद 17 अप्रैल 2004 को आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार हेतु जाते समय बेंगलुरु में विमान हादसे के कारण इनका निधन हो गया। इनका जन्म 18 जुलाई 1972 को कन्नड़ फिल्म लेखक के एस सत्यनारायण के घर कोलार में हुई थी। अपनी MBBS की पढ़ाई बीच में छोड़कर इन्होंने GS रघु से शादी कर ली, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्हें सावित्री के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफी अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। इन्हें इसके कारण तेलुगु सिनेमा की नई सावित्री भी कहा जाता था। 2004 में एक विमान हादसे में इनका निधन हो गई थी। 17 अप्रैल 2004 को आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार हेतु करीमनगर जा रही थी। विमान सुबह 11:05 उड़ान भरने लगा और 100 फीट की ऊंचाई में पश्चिम की ओर जाते समय इसमें आग लग गया और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा गांधी कृषि विज्ञान केंद्र के पास हुआ था। इसी हादसे में इनका निधन हो गया। फिल्म सूर्यवंशम जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर भले फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन आज के वक्त में इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में शुमार किया जाता है। टीवी पर तो ये फिल्म इतनी बार टेलीकास्ट की गई है कि एक रिकॉर्ड ही बन जाए। सोशल मीडिया पर इस फिल्म के दृश्यों और डायलॉग्स को मीम के तौर पर जमकर इस्तेमाल किया जाता रहा है। उधर फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को पसंद करने वालों की भी एक बड़ी तादाद है। अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में साउथ की एक्ट्रेस सौंदर्या ने स्क्रीन शेयर किया था। आज आपको इस फिल्म और सौंदर्या से जुड़ी एक दर्दनाक और सनसनीखेज कहानी बताएंगे। दरअसल इस फिल्म की रिलीज के महज 5 साल के अंदर ही एक्ट्रेस सौंदर्या की मौत हो गई थी। कन्नड़ फिल्म से बड़े पर्दे पर करियर की शुरुआत करने वाली सौंदर्या एक MBBS डॉक्टर भी थी। सौंदर्या का असली नाम सौम्या सत्यनारायण था और साल 1999 में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सूर्यवंशम से बॉलीवुड डेब्यू किया था। अहम बात ये कि अपने 12 साल के फिल्मी करियर में सौंदर्या ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन सूर्यवंशम के बाद उन्होंने दोबारा बॉलीवुड का रुख नहीं किया। सौंदर्या एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपने इस छोटे से करियर के दौरान 5 भाषाओं तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी की फिल्मों में अहम किरदार निभाकर पहचान हासिल की। साल 2003 में अपने करियर की ऊंचाई के दौरान ही उन्होंने बचपन के दोस्त GS रघु से शादी रचा ली, लेकिन बेहद दर्दनाक हवाई हादसे में महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कर दिया। दरअसल साल 2004 में एक पॉलिटिकल रैली में हिस्सा लेने जा रही सौंदर्या का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया था। इस हादसे में सौंदर्या, उनके भाई और 2 अन्य लोगों की जान गई थी। इस हादसे के वक्त सौंदर्या प्रेग्नेंट भी थी। कहा जाता है कि जब सौंदर्या का जन्म हुआ था तभी एक ज्योतिषी ने उनकी छोटी उम्र में ही ऐसी मौत की भविष्यवाणी की थी। इसे लेकर उनके माता पिता ने हवन, पूजन और कई दूसरे उपाय भी किए, लेकिन जो हुआ वो दर्दनाक सच डाला नहीं।